हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रसाद स्कीम डिस्कस करेंगे। ये एक नेशनल मिशन है ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, अब हम आज प्रसाद स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी हमने हृदय स्कीम पढ़ी थी कल। प्रसाद और हृदय में जो भी साइट्स दोनों कॉमन हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्रसाद स्कीम को मैं बता देती हूँ, टूरिज्म मंत्रालय चला रहा है। ठीक है, हमारा पर्यटन मंत्रालय चला रहा है, तो उसके मिनिस्टर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो ये आज आपका काम है। और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जो मैं स्कीम्स में क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे उसके आंसर्स नहीं मिलते हैं, ऐसे हम मोटिवेट नहीं होते स्कीम्स बनाने के लिए, तो इसलिए आप स्कीम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत अच्छा लगेगा हमें भी कि आपसे रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। हमारा फेसबुक प्रोफाइल, हमारा फेसबुक पेज भी है राशि सिंगल स्टडी ग्लोज के नाम से, आप वहाँ भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आंसर करेंगे। देखिए, जैसा कहा जाता है कि भारत में कितने सारे रिलीजन्स मिलते हैं, है ना, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सूफिज़्म। ठीक है, और इनके अलग अलग अपने ही पिलग्रिमेज सेंटर हैं। ठीक है, जहाँ जाके ये एक तरह से अपनी पूजा करते हैं, है ना, तो साधना करते हैं, वो सब हैं इनके। मतलब ये जो हैं पूरे डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में फैले हुए हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज टूरिज़्म क्या, किस, कौन, क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती है। एक तो सबसे पहले रिलीजियस सेंटीमेंट्स, अपने रिलीजन की तरफ जो आस्था होती है लोगों की, वो पूरी तरह मोटिवेट करती है लोगों को कि अपने जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जाकर वो वहाँ पर दर्शन करें। ठीक है, तो ये स्कीम इसलिए ही लाई गई कि वहाँ के जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, जो साइट्स हैं, उन्हें डेवलप किया जा सके, उन्हें इम्प्रूव किया जा सके, जैसे पर्यटक वहाँ आए तो उसे कोई दिक्कत ना हो, वहाँ उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएं। देखिए, जो रिलीजन है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो ही मोटिवेट करता है एक इंसान को कि वो ट्रैवल करे। ठीक है, वो उस चीज़ को, वो उस जगह को देखे, क्योंकि वो उसके रिलीजन से जुड़ी हुई है। ठीक है, रिलीजन से जुड़ाव जो है इंसान का, वो उसे मोटिवेट करता है कि वो आगे बढ़े और ये जो साइट्स हैं इन्हें विज़िट करे। और देखिए, जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो लार्जली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे पिलग्रिमेज टूरिज़्म पर। ठीक है, जो हमारा पिलग्रिमेज टूरिज़्म है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हमारे पिलग्रिमेज टूरिज़्म की ग्रोथ होगी तो हमारे डोमेस्टिक टूरिज़्म की ग्रोथ एक साथ उसके साथ ही होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपना पिलग्रिमेज टूरिज़्म सुधारें, बिकॉज़ वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, चलिए अब स्कीम स्टार्ट करते हैं। जो प्रसाद स्कीम है हमारी, वो ईयर 2014-15 में लॉन्च की थी टूरिज़्म मंत्रालय ने। और जो हमारी हृदय स्कीम है वो हमारी टूरिज़्म मंत्रालय नहीं चला रहा है, तो उसे कंफ्यूज मत करिएगा। उसका कौन चला रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये स्कीम पिलग्रिमेज जो भी साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करने के लिए बनाई गई है ना, ये स्कीम लाई गई, जिससे उसे जो टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं वहाँ पे उन्हें उस साइट पर आके एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छे अनुभव की अनुभूति हो। तो जो प्रसाद स्कीम है इनिशियली 12 सिटीज़ में चलाई गई थी। ठीक है, 12 सिटीज़ नहीं, 12 साइट्स पर चलाई गई थी, जिसमें था अजमेर जो राजस्थान में है, अमृतसर पंजाब, अमरावती आंध्र प्रदेश, द्वारका, गया, केदारनाथ, कामाख्या, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलनकन्नी। ठीक है, स्टार्टिंग में 12 साइट्स थी, लेकिन फिर इसे जो इसका नेक्स्ट ईयर था उसमें पटना को ऐड किया गया, देन उसके बाद 12 जो साइट्स थी वो और ऐड करी गई। और आज इसका नंबर, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ अप्रैल 2019 में, तो इसका नंबर है 41 साइट्स आज प्रसाद स्कीम के अंडर हैं, जो 25 स्टेट्स में फैली हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है, और थोड़ी सी नज़र इन 41 जो साइट्स हैं उन पर मार लीजिएगा, बिकॉज आपसे पूछ सकते हैं कि ये साइट प्रसाद में है या नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक इनसाइट ले लें इन साइट्स की। ठीक है, तो प्रसाद स्कीम जो है वो एक
अभी ये न्यूज़ में था कि जो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, उसमें डेवलपमेंट ऑफ गोवर्धन, ठीक है, वो चलाई गया है, एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। और ऐसे ही सोमनाथ में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एमिनिटीज़ एट सोमनाथ, ये प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, ठीक है। तो जी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस जो हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र होता है, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ जाके वो अच्छा हो, ठीक है। और इससे क्या है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी का विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बिकॉज जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिन टूरिज़म साइट्स पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ठीक है, जैसे खाने के लिए होटल्स और भी काफ़ी सैनिटेशन वगैरह, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम डाल देंगे तो उनके लिए लोग भी एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। जब वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उन्हें वहाँ पे अर्निंग होगी और उन्हें अपना रोज़गार मिल जाएगा। और जो स्कीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर भी फोकस देती है, जैसे वहाँ पर ATMs बनाए जाएंगे, जिससे जो टूरिस्ट है उसे पैसा लेके, कैश लेके ना चलना पड़े, वो ATM से अपना मनी निकाल सके, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, और ये जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ का भी, वो जो ट्रांसपोर्ट है वो भी डेवलप हो, और जो हमारी रोड्स होती हैं उन पर लाइटिंग हो, ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जलें, जिससे जो अंधेरा है वो ना रहे रात के समय, ठीक है। और जो हमारी लोकल आर्ट है, हमारा लोकल जो कला है, कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट की साइन, उसे भी प्रमोट करेगा, जिससे जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो भी यहाँ पर आकर्षित हों। अब देखिए, जो फंडिंग है वो पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 100% फंड वो दे रहा है, और जो ये प्रोजेक्ट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चल रहा है, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है कि जैसे प्राइवेट को भी इंक्लूड करना, ठीक है, मतलब प्राइवेट कोई चीज़ आपको बना के देगा, अच्छे से डेवलप करके देगा, कुछ 20 साल तक उसका रहेगा, फिर उसके बाद वो सौंप देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और जो टूरिज़्म मंत्रालय है वो कुछ असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा, जिससे वो अपनी स्टेट्स में जो उनके डेस्टिनेशंस हैं, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इस स्कीम के तहत, उन्हें प्रमोट कर सकें टूरिज़्म के लिए, ठीक है। और 15-16 में, जैसा मैंने बताया, पटना को ऐड किया गया था, और 16-17 में 12 साइट्स को और ऐड किया गया था, जिसमें अयोध्या था, बद्रीनाथ, बेलूर मठ, देवगढ़, गुरुवायूर, हजरत बल, कटरा, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, श्री सेलम, तिरुपति, त्रिम्बकेश्वर, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और आज दर तक इसकी साइट्स 41 हैं। अभी इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री भी ऐड हुआ है, अमरकंटक भी ऐड हुआ है, और प्रसन्ननाथ जो झारखंड में है उसे भी ऐड किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। तो जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि कोई और साइट इसमें ऐड तो नहीं हो गई है, लेकिन जो आज तक की साइट्स हैं वो 41 हैं, ठीक है, ये अपडेटेड साइट्स हैं। और प्लीज़ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन हो कि हम आगे जो स्कीम्स की वीडियोस हैं वो ला सकें। सो थैंक यू वेरी मच।